महेंद्र कौर। महेंद्र कौर आपको मृत दिखा दिया उसने? जी जी जी। क्या नाम है आपका? महेंद्र कौर। क्या मामला है, थोड़ा जानकारी है बताइए। कहाँ रहती हैं आप? हम अब कैंट में चले गए, पहले चुंगी दफ्तर के सामने थे ऊपर छत पे। आपकी दुकान है वो? हाँ जी। उस पर कब्जा कौन करे हुए है? यही पवन। यही पवन। आपको जिंदा है, आपको मृत घोषित कर दिया उन्होंने। हाँ। सतवन सिंह चड्डा। क्या मामला है आज का? मामला ये है कि पवन चांदना और एक संजीव चांदना नाम के व्यापारी हैं, हमारे किराएदार हैं। ये कई सालों से हमें किराया नहीं दे रहे हैं, ज़बरदस्ती हमारी दुकान पे कब्जा कर रखा है। हम लोग किराया मांगते हैं तो मारपीटी करते हैं। हमारी मदर जिंदा माँ को मरा हुआ दिखा के और फर्जी तरीके से कागज़ लगा के, रसीदें लगा के कोर्ट में दिखा रहे हैं, जबकि हमारी माँ जिंदा है। इस तरीके से हमारी दुकान को हड़पना चाहते हैं, ना खाली करते हैं ना किराया देते हैं, अपनी गुंडाई क्या कहते हैं दिखाते हैं, व्यापार मंडल के होने के नाते गुंडाई दिखाते हैं। संजीव चांदना और पवन चांदना। जी विवाद कुछ नहीं हुआ था इनसे, ये कहा जा रहा था कि दुकान खाली कर दो, दुकान खाली नहीं कर रहे थे और ये कह रहे थे हमें बेच दो। हमसे 20 लाख रुपये की डिमांड कर रहे थे कि 20 लाख रुपए दोगे तो दुकान हम खाली करेंगे। हमने कहा कि हमने तुमसे कुछ लिया नहीं है तो हम काय के पैसे दें तुम्हें। ये बात उनका आरोप है कि आपने ये दुकान के ताले काट दिए और नहीं, हमने कोई दुकान के ताले उले नहीं काटे, कहीं कुछ नहीं। इनको सिर्फ चेतावनी दी थी कि भाई दुकान तुम अपनी हमारी खाली कर दो। हमने दुकान के किसी के ताले उले कुछ नहीं काटा, कुछ नहीं करा। ये गलत आरोप है बिल्कुल। अभी शुरू कराना अभी कर रहा है। अरे अंदर आ गया भाई, पहले आश्वासन क्या मिला इसे देखना पहले। बाइक के नाम? हाँ हाँ जी, हमारी जिंदा माँ है, आज एसएसपी साहब से मिलने आई है कि मैं जिंदा हूँ, मेरे को मरा हुआ दिखा के फर्जी रसीदें मेरे नाम की बना के, फर्जी रसीदें अंगूठे लगा के, और वो गलत काम कर रहा है। तो हम एसएसपी साहब से आज डिमांड करने आए हैं कि इन 420